पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों पुलिस की कोई भी भर्ती हो उसमें हाइट, वेट और चेस्ट काफी ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि इसके बिना तो भर्ती पूरी ही नहीं होती। और ज्यादातर कैंडिडेट्स को तो हाइट चेस्ट के मेजरमेंट के दौरान ही बाहर कर दिया जाता है। तो इसीलिए फिजिकल के बारे में जानना बहुत जरूरी है और इसी के हिसाब से आप अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाइएगा। तो इसलिए इस छोटी सी वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सभी कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती होती है वो राज्यों के हिसाब से होती है, यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर भर्ती की जाती है। लेकिन जो इसका फिजिकल और क्राइटेरिया होता है वो सभी के लिए लगभग समान ही होता है, ठीक है। और दूसरा, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है, ना कि फिजिकल टेस्ट। इसलिए फिजिकल के साथ साथ लिखित की भी आपको जमकर तैयारी करनी होगी। अब इसके लिए जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी से जो लड़के आते हैं उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और जो जनरल, ओबीसी और एससी से लड़कियां आती हैं उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद जो एसटी कैटेगरी से लड़के आते हैं उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर, और एसटी कैटेगरी से जो लड़कियां आती है उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब चेस्ट की बात करें तो वो भी अलग अलग जातियों के हिसाब से अलग अलग है। जनरल, ओबीसी और एससी वालों के लिए चेस्ट 79 सेंटीमीटर और एसटी वालों के लिए 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें फूलने के बाद जब नापी जाएगी आपकी चेस्ट तो उसमें 5 सेंटीमीटर का फैलाव भी आना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि चेस्ट सिर्फ लड़कों की नापी जाएगी, इसमें लड़कियों की चेस्ट नहीं नापी जाती। लड़कियों का सिर्फ वजन लिया जाता है जो कि 40 से 45 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए। उम्र की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के जो लड़के हैं उनकी उम्र 18 से 22 साल के बीच में होनी चाहिए, और जनरल कैटेगरी से जो लड़कियां हैं उनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद जो ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से लड़के आते हैं उनकी उम्र 18 से 27 साल, और ओबीसी, एससी, एसटी से जो लड़कियां आती हैं उनकी उम्र 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। और इसमें दौड़ वगैरह और बाकी एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है, तो उनके बारे में भी जान लीजिए। दोस्तों, लड़कों को पुलिस कांस्टेबल के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होती है, और लड़कियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ सिर्फ 14 मिनट में पूरी करनी होती है। बॉल थ्रो में लड़कों को 50 मीटर और लड़कियों को 16 मीटर बॉल फेंकनी होती है। इसके बाद इसमें लॉन्ग जंप भी होता है, जिसमें लड़कों को 13 फीट और लड़कियों को 8 फीट तक कूद लगानी होती है। चिनिंग अप में ज़्यादा से ज़्यादा 10 और कम से कम 5 तो लगाने ही होते हैं। तो इस तरह से इसका फिजिकल का पूरा प्रोसेस रहता है। बाकी आप जिस भी राज्य से हैं आप अपने राज्य का नाम हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम आपके राज्य में जब भी वैकेंसी आएगी पुलिस से रिलेटेड उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा।